असलकुम स्टूडेंट्स यू नो वी हैव स्टार्टड द यूनिट एट थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर टुडे वी विल गो थ्रू द टॉपिक एट पॉइंट एट थर्मल एक्सपेंशन आपको इस नेम से ही पता चल गया होगा हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं यानी कि उसका वॉलीम इंक्रीज़ होता है किसकी वजह से थर्मल यानी कि हीट की वजह से एक्सपेंशन होती है अब रीड करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक में क्या कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द सब्स्टांसेज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग जितने भी सब्सटांसेज हैं ये आपके पास मैटर की फॉर्म्स हैं सॉलिड लिक्विड और गैसेज जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं यानी कि हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होते हैं यानी कि उनका वॉलीम ज़्यादा होता है इनक्रीज़ होता है जब उनको कूल cool करते हैं यानी कि टेम्परेचर लो करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उनका वॉलीम डिक्रीज़ होता है their थर्मल एक्सपेंशन एंड contraction are usually वेरी स्मॉल दैट दे आर not नोटिसेबल अब ये जो चेंज होता है एक्सपेंशन का या कॉन्ट्रेक्शन का ये इतना स्मॉल होता है कि इवन हम नोटिस भी नहीं कर पाते अब ये डेली लाइफ में बहुत थर्मल एक्सपेंशन जो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है द कायनाटिक इनर्जी ऑफ द मॉलीक्यूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर अब काइनाटिक एनर्जी के जो मॉलीक्यूल्स हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं अब टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हम इसी को ही कहते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो रैंडम मोशन में यानी कि उनकी मोशन फास्ट हो जाती है इसका डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर लो करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्लो हो जाएंगे उनकी मोशन कम हो जाएगी नेक्स्ट क्या है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड वाइब्रेट विद द लार्ज एम्पलीट्यूड एट अ हाई टेम्परेचर दैन एट लो टेम्परेचर अब फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये दो आपको फिगर्स दी गई हैं इसमें मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड लार्ज है और इसमें एम्प्लीट्यूड लो है यानी कि यहाँ पे लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और इस डायग्राम में वो हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा किया तो उनकी मोशन भी फास्ट होगी जबकि जो मोलिक्यूल्स हैं वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वहाँ पर उस एरिया में मूव करने लगे जबकि टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो आप देख सक रहे हैं कि उनका वॉलीम भी इंक्रीज़ हुआ जबकि यहाँ पे लो टेम्परेचर में उसका वॉलीम भी डिक्रीज़ था और मॉलिक्यूल्स uh, का लो एम्प्लीट्यूड था दस ऑन हीटिंग द एम्प्लीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज़ इसी तरह हीट करने से उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हुआ और एक दूसरे को वो पुश करने लगे विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड अब थर्मल एक्सपेंशन से होता क्या इसका रिज़ल्ट क्या है यानी कि हीट करने की वजह से एक्सपेंड हुई एक्सपेंड का क्या मतलब होता है वॉलीम उसका इंक्रीज़ हुआ इसमें ये भी इंक्लूड है तो एक्सपेंशन से क्या हुआ लेंथ उसकी इंक्रीज इंक्रीज़ हुई ब्रेथ इंक्रीज़ हुई और उसकी सबस्टास की जो थिकनेस है वो भी आपके पास इंक्रीज़ होगी अब नेक्स्ट है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड सॉलिड में हम देखते हैं आपके पास एक रोड है ठीक है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सॉलिड एक्सपैन ऑन हीटिंग एंड देयर एक्सपेंशन इज़ नियरली यूनिफॉर्म ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर इसके अलावा जो एक्सपेंशन होती है वो एक तो बहुत स्मॉल चेंज होता है नोटिसेबल नहीं होता जिसकी वजह से वो बहुत यूनिफॉर्मली एक्सपैंड होता जाता है कंसिडर आ मेटल रोड ऑफ लेंथ एल नोट एट सर्टन टेम्परेचर अब आपके पास एक मेटल रोड है जिसकी लेंथ एल नोट कह रहे हैं जो इनिशियल लेंथ है और टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर जो है जो सर्टन टेम्परेचर है वो टी नोट है जब उसको हीट करेंगे उसमें जो चेंज आएगा तो हमने कह दिया कि उसका टेम्परेचर तो टी से डिनोट कर रहे हैं और उसकी जो चेंज इन लेंथ आई है उसको एल से डिनोट कर रहे हैं इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रोड अब जो लेंथ में चेंज आया वो क्या था जो आपके पास फाइनल लेंथ ही फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ टेम्परेचर में भी इसी तरह बात कर लेंगे इंक्रीज़ इन टेम्परेचर क्या है डेल्टा टी जो कि फ़ाइनल माइनस इनिशियल कर लिया अब वो कह कह रहे हैं कि ये इट इज़ फाउंड दैट द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल जो कि प्रोपोर्शनल है किसके एल नोट और डेल्टा टी के यानी कि एल नोट क्या है ओरिजिनल लेंथ थी आपके पास और डेल्टा टी क्या था चेंज इन टम्परेचर था जब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इक्वल में चेंज किया तो अल्फा हमने यूज़ किया कॉन्सटेंट और अल्फा को क्या कह दिया कॉफिशेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सबस्टांस डेल्टा एल में हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर ली एल माइनस एल नोट जबकि बाकी हम वैसे वैल्यूज रहने देते हैं एल यही है एल नोट आप ले जाएंगे राइट right साइड पे और ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे इसके बाद अगर आपने अल्फ़ा को डिफाइन करना है तो 8.9 पॉइंट नाइन में से अल्फ़ा की वैल्यू निकालें डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नोट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये आपके पास टेबल में वैल्यूज़ दी गई हैं अल्फ़ा की कोफ़िशंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सब्सटांसिस की वैल्यूज़ दी गई हैं डिफरेंट सब्सटांसिस की